अब हमने क्या किया, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन किया। सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर हमने क्या किया, फाइ इज एल आई और इंड्यूस डी एम एफ माइनस एल डी आई बाई डी टी, फाइ इज एम आई इंड्यूस डी एम एफ माइनस एम डी आई बाई डी टी। हमने एल का फॉर्मूला किया, हमने कैपिटल एन और स्मॉल एन की फॉर्म में दोनों में किया, हमने एम का फॉर्मूला किया कैपिटल एन और स्मॉल एन दोनों के टर्म में किया, ये सारे फॉर्मूला हमने किए। पहला क्वेश्चन पढ़ो, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का मतलब एल। एल क्या होगा, इन विच मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 40 मिली वेबर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 एम्पियर करंट फ्लोस थ्रू इट। तो आपको मिली वेबर फ्लक्स गिवन है, इसको वेबर में कन्वर्ट करेंगे, करंट पता है, तो फ्लक्स क्या होता है एल आई, तो यहां से एल कैन बी कैलकुलेट। एल के यूनिट्स क्या होते हैं, हेनरी। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक। दूसरा, 31st क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन तो इसमें क्या होगा, 200 टर्न कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, एल गिवन है, कैरीज अ करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, अंडरलाइन कर लो ईच टर्न। ये सॉल्यूशन मुझे नहीं पसंद आया, ये सही है। जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था, इसमें फाई क्या देते हैं आपको, टोटल फ्लक्स विच इंक्लूड्स नंबर ऑफ टर्न्स ऑल्सो। तो टोटल फ्लक्स एल आई है, उसने एक टर्न का पूछा, तो टोटल फ्लक्स को नंबर ऑफ टर्न से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो एल पता है, आई पता है, एन पता है, आंसर क्या है, पॉइंट क्लियर है। तो टोटल फ्लक्स एल आई से निकाल लो, नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर दो, ये बेटर सॉल्यूशन है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, देखो क्वेश्चन है, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी गिवन है, एंड इंड्यूस डी एम एफ कितनी है, 20 मिली वोल्ट, तो ई की वैल्यू भी गिवन है। क्या निकालना है, व्हाट इज दिस सेल्फ इंडक्शन एल, तो ई की वैल्यू गिवन है, तो ई क्या होता है, ई होता है वैसे माइनस एल डी आई बाई डी टी, पर यहां पर माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, एल, और एल कभी नेगेटिव होता नहीं, इसलिए मैग्नीट्यूड में काम होगा। तो आपको इसमें E पता है, आपको डी आई बाई डी टी पता है, आंसर हेनरी में आएगा, हेनरी में निकाल दो, मिनी हेनरी में करना है कर दो, नहीं तो हेनरी तक ओके। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ट्वेल्व वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू 6 ओम 10 हेनरी कॉइल थ्रू अ स्विच ड्राइव्स अ कॉन्स्टेंट करंट थ्रू द सर्किट। दिस स्विच इज सडनली ओपन
If it takes 1 millisecond to open the switch, find the average EMF induced in the coil. पहले एक पॉइंट को समझो, स्विच ओपन और क्लोज का मतलब क्या होता है? अगर मैंने स्विच क्लोज कर दिया तो यानी कि बैटरी से करंट दौड़ेगा सर्किट में, अगर मैंने ओपन कर दिया तो करंट एकदम क्या हो जाएगा? जीरो. ओपन स्विच का मतलब आपने सर्किट ब्रेक कर दिया तो करंट क्या हो गया? जीरो. तो क्वेश्चन के अंदर कह रहे 12 वोल्ट की बैटरी है, 6 ओम की रेजिस्टेंस है, तो 12/6 करेंगे तो करंट तो आ ही जाएगा 2 एम्पियर. तो स्टेडी करंट है, कोई चेंजिंग करंट नहीं है. तो बैटरी कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस कर रही थी, कितना? 2 एम्पियर. साथ में कौन लगा हुआ था? इंडक्टर, जिसकी एल की वैल्यू गिवन है. अब वो कह रहे एकदम ही आपने स्विच को ओपन कर दिया तो करंट एकदम क्या कर दिया? जीरो. तो पहले करंट कितना था? 2. अब कितना कर दिया? 0. कितनी देर में किया? 1 मिलीसेकंड. तो एक तरीके से आपको क्या आ गया? DI/DT. तो फाइनल करंट 0, इनिशियल करंट 2, टाइम आपको पता है. तो ये क्या आ गया? DI/DT. तो EMF कितनी इसमें जनरेट हो जाएगी? -L DI/DT. L आपको पता है 10, DI/DT आपको पता है आंसर. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि EMF कैसे जनरेट होगी इसमें, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक. नेक्स्ट 34. एन इंडक्टर 5 हेनरी, एल गिवन है, कैरीज अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर. स्टेडी का मतलब कांस्टेंट करंट है. सुनने में लगता है कि कांस्टेंट करंट है तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगी, और वाकई नहीं होगी. हाउ कैन 50 वोल्ट सेल्फ ईएमएफ कैन बी मेड टू अपियर इन एन इंडक्टर? अगर अच्छा वाला करंट दौड़ रहा था इंडक्टर में, कितना करंट दौड़ रहा था? 2 एम्पियर, कॉन्स्टेंट था. कॉन्स्टेंट करंट पे ईएमएफ पैदा नहीं हो सकती. पर वो क्या कहता है कि मैं इंडक्टर में EMF को जनरेट करना चाहता हूं, और कितना? 50 वोल्ट. तो कैसे करूं? करंट को जीरो कर दो यार, स्विच ऑफ कर दो. स्विच ऑफ करोगे एकदम करंट 2 से क्या हो जाएगा? 0. तो EMF जनरेट हो जाएगी. तो पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो इसमें क्या करना है? तो इसमें सपोज करना है कि करंट हमने एकदम क्या कर दिया? 0. तो DI की वैल्यू क्या होगी? चेंज इन करंट 0 - 2. EMF कितना पैदा होगी? 50. EMF क्या होता है? -L DI/DT. EMF 50 है, L आपको गिवन है, चेंजिंग करंट आपको पता है, टाइम. तो ये भी बताना है कि 0.2 सेकेंड में आपको करंट को जीरो करना है. अगर 0.2 सेकेंड में करंट जीरो होगा तो 50 वोल्ट EMF डेवलप होगी, आपका आंसर है. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक. 35th क्वेश्चन. What is the self inductance of an air coil solenoid 50 centimeter long? क्या निकालना है? L. Length आपको पता है, radius आपको पता है, turns आपको पता है. तो L का formula याद कर लो. L का ये formula. तो formula में N पता है, area circular cross section का क्या होगा? Pi r square. और length पता है, answer. क्या ये point clear है? तो
तो मतलब ये असाइनमेंट एनसीईआरटी की असाइनमेंट है जो ये बता रही है कि कब कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। पॉइंट क्लियर है, इसमें कॉम्पिटिशन का कुछ नहीं है, एक्सक्लूसिव एनसीईआरटी है ये। ठीक, नेक्स्ट 36 लिखा भी हुआ है हर जगह एनसीईआरटी। एयर कोड सोलेनोइड, ऐसा क्यों बोल रहे हैं एयर कोड? क्योंकि कई बार सोलेनोइड सॉफ्ट आयरन के ऊपर लपेट रखा होता है, तो फिर म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट इंटू म्यू आर करना पड़ता है, तो ये वैक्यूम वाला केस है म्यू नॉट के साथ। तो एक सोलेनोइड है जिसकी लेंथ पता है, एरिया पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, कैरी द करंट ऑफ करंट भी पता है। अब करंट को सडनली क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, तो करंट जीरो हो गया, तो इसमें ईएमएफ पैदा हो जाएगी। और कितनी देर में? 10^-3 सेकेंड। तो कह रहा है ईएमएफ कितनी पैदा होगी ये बताओ। तो ऑब्वियसली इसमें क्या प्रॉब्लम है, फॉर्मूला क्या लगेगा, -LdI/dt। प्रॉब्लम ये है इसमें एल नहीं पता, इस क्वेश्चन में हेनरी में एल नहीं गिवन, पर कोई बात नहीं, हमें इसमें लेंथ पता है, एरिया पता है, एन पता है, डीटी पता है, डीआई भी पता है, तो कोई बात नहीं, ये फॉर्मूले में एल भी पता है हमें। तो एल का फॉर्मूला क्या करवाया था, म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया बाय लेंथ। तो बस फर्क ये है कि पहले क्वेश्चन में एल दे रहा था वो, और क्वेश्चन इजी थे जिसमें -LdI/dt में एल पता था, इस क्वेश्चन में एल फॉर्मूला पुट करके। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एल का फॉर्मूला पुट करके बाकी एवरीथिंग सेम। ठीक है, यहां तक हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व ये। ठीक, 37। अब ये जो क्वेश्चन थे वो सेल्फ इंडक्शन के थे, अब जो क्वेश्चन है वो म्यूचुअल इंडक्शन की प्रॉब्लम्स हैं। तो क्वेश्चन है, लार्ज सर्कुलर कॉयल ऑफ रेडियस आर एंड स्मॉल सर्कुलर कॉयल ऑफ रेडियस स्मॉल आर। एक बड़ा कॉयल और बीच में एक छोटा कॉयल, एक का रेडियस बड़ा आर, एक का छोटा, आर पुट इन विसिनिटी ऑफ ईच अदर, एक कोएक्सियल पड़े हुए हैं। इफ द कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इक्वल टू 1 mH, तो इसका सिंबल क्या है, बड़ा एम, तो एम की वैल्यू गिवन है। वॉट वुड बी द फ्लक्स लिंक्ड विद द लार्जर कॉयल, फ्लक्स लार्जर का क्या होगा जब करंट छोटे में 0.5 है, तो छोटे में करंट है, बड़े का फ्लक्स है, एक ही तो फॉर्मूला है, φ = mI, क्योंकि करंट छोटे में प्राइमरी में करंट है, सेकेंडरी का फ्लक्स है, तो कुछ भी नहीं करना, रेडियस चाहिए ही नहीं है इसमें, φ = mI लगाओ, m पता है, I पता है, आंसर याद है म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो आज क्लास में दिखाऊंगा भी म्यूचुअल इंडक्शन प्रैक्टिकल करा के आपको, कैसे, जब टेस्ट चल रहा होगा अभी सब्जेक्टिव, तो एक बच्चा काम कर रहा होगा और दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन से उस टेस्ट को कॉपी करने की कोशिश करेगा, जो जितनी दूर होगा उतना ही उसका म्यूचुअल इंडक्शन कमज़ोर होगा, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, और जो जितनी नज़दीक होगा म्यूचुअल इंडक्शन अच्छा रोल प्ले करेगी और एकदम टेस्ट वर्ड टू वर्ड कॉपी होगा, इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। आया समझ में? ऑनलाइन वालों को समझ में आया? अब आया समझ में? ठीक है, ये होती है म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट 38।
नेक्स्ट है 38. व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ क्वाइल्स इफ अ करंट चेंज ऑफ 6 एम्पियर इन वन क्वाइल कॉजेज फ्लक्स इन द सेकेंड क्वाइल ऑफ 2000 टर्न्स टू चेंज बाय इतने वेबर पर टर्न. अब ये ना वेबर नहीं दे रहा, वेबर फ्लक्स होता है. वेबर पर टर्न क्या होता है? फ्लक्स पर टर्न, एक टर्न का फ्लक्स. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? तो इसके अंदर आपको नंबर ऑफ टर्न्स, चलो देखते हैं क्या गिवन है. 6 एम्पियर का करंट गिवन है, नंबर ऑफ टर्न 2000 पता है, फ्लक्स पर टर्न पता है, पर अपने को क्या चाहिए होता है? टोटल फ्लक्स. तो फ्लक्स पर टर्न को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? टोटल फ्लक्स. आपको क्या निकालना है? एम निकालना है. फ्लक्स क्या होता है? एम आई. एम क्या होता है? फाइव बाई आई. फाइव पता है, फाइव मीन्स टोटल फ्लक्स. करंट पता है, एम आ गया. ठीक है यहां तक? 39. देखो क्वेश्चन है, एन ईएमएफ ऑफ 0.5 वोल्ट इज डेवलप्ड इन अ सेकेंडरी क्वाइल व्हेन करंट इन प्राइमरी क्वाइल चेंजेस फ्रॉम 5 टू 2 एम्पियर इन 300 मिलीसेकंड, कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्शन. आपको इसमें ईएमएफ पता है, चेंज इन करंट फाइनल माइनस इनिशियल पता है, टाइम आपको पता है. तो ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस एम डी आई बाई डी टी. तो आपको ईएमएफ पता है, एम आपको निकालना है, डी आई पता है, डी टी पता है आंसर. तो समझ में आ रहा है कि कैसे फॉर्मूला लगेंगे इसमें? E इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी. क्लियर है यहां तक? 40th. देखो क्या करेंगे इसमें, क्वेश्चन है, इफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ द प्राइमरी कॉइल जो है 5 से 1 एम्पियर हो गया और टाइम भी पता है, तो डी आई पता है और डी टी पता है. कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स इज 0.5 हेनरी. तो एम आपको पता है, आपको इसमें क्या निकालना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है. तो ई का फॉर्मूला माइनस एम डी आई बाई डी टी. आपको इस क्वेश्चन में एम पता है, आपको चेंज इन करंट पता है, आपको टाइम पता है. सॉल्व करके क्या आ गया? ईएमएफ आ गई, एक आंसर आ गया. दूसरा पार्ट है चेंज ऑफ फ्लक्स पर टर्न. तो फ्लक्स टोटल नहीं निकालना, फ्लक्स पर टर्न निकालना है. अगर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कितने हैं? 200. तो एक बात बताओ, आपने ईएमएफ तो निकाल ली, फर्स्ट पार्ट से ईएमएफ आ गई, इसको छोड़ दो. ईएमएफ होती क्या है? माइनस डी फाई बाई डी टी इंटू एन. क्योंकि जब आप फाइव इक्वल टू एम आई यूज करते हो उसमें नंबर ऑफ टर्न लगाने नहीं है पर इसमें लगाने होते हैं. तो माइनस डी फाइव बाई डी टी इंटू एन. अब इस केस में आपको क्या निकालना है? आपको इसमें निकालना है चेंज इन फ्लक्स पर टर्न. तो चेंज इन फ्लक्स पर टर्न नहीं, चेंज इन फ्लक्स निकालना है कि पर टर्न निकालना है? पर टर्न भी निकालना है. अच्छा कोई बात नहीं. तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको ई एम एफ पता है, आपको नंबर ऑफ टर्न 200 पता है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से? फ्लक्स. उस फ्लक्स को नंबर ऑफ टर्न से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड. तो पर टर्न का फ्लक्स आएगा. तो आप इसमें इसमें यही कर रहे हैं वो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसे ही आ रहा है, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, सेम ही चीज़ है.
तो E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, तो चेंज इन फ्लक्स पर टर्न जो निकाल रहा है तो इसमें क्रॉस, वैसे फ्लक्स आना चाहिए इसमें मेरे को लगता है, तो डी फाई इज इक्वल टू ई एम एफ कितनी है 100.02 बाई एन, नहीं मेरे को लगता है यार फ्लक्स आएगा, देखो ना वेबर है इसमें कुछ गड़बड़ है, पर टर्न काट दो, इसमें फ्लक्स पूछ रहा है वो, पर अगर फ्लक्स पर टर्न पूछ भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले फ्लक्स निकाल दो उसको नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर दो, पर इसमें वो फ्लक्स निकाल रहा है, गलत है ये, तो या तो फ्लक्स बोल दे या फ्लक्स पर टर्न बोल दे, तो इसने किया किया बोला फ्लक्स पर टर्न, पर निकाला उसने टोटल फ्लक्स। डी फाइव फ्लक्स ही तो होता है टोटल चेंज इन फ्लक्स, ऐसा है ना, इसने ऐसा किया डी फाइव को निकालने, नंबर ऑफ टर्न्स नीचे आ गए ईएमएफ के, डीटी ऊपर चला गया, तो डी फाइव निकलाना यार, है ना। अच्छा फिर यूनिट फिर वेबर लगा रहा है, वेबर पर टर्न भी नहीं लगा रहा, या तो वेबर पर टर्न बोल ले फिर भी मानू, ठीक है ना। हाँ इसको 200 से डिवाइड करना पड़ेगा फिर से। क्वेश्चन नंबर 41, ओवर अ सोलेनॉइड 50 सेंटीमीटर लेंथ, तो 50 सेंटीमीटर लंबा सोलेनॉइड है एंड 2 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, 50 सेंटीमीटर लंबा सोलेनॉइड है, 2 सेंटीमीटर का रेडियस है, 500 टर्न्स हैं, इज वाउंड अनदर वायर ऑफ 50 टर्न नियर द सेंटर, यानी कि एक बड़ा सोलेनॉइड है और सेंटर पे एक छोटा सोलेनॉइड है, तो एक बड़ा और एक छोटा, तो दो सोलेनॉइड्स हैं, म्यूचुअल इंडक्शन निकालनी है, तो आपको पहले सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स पता है, दूसरे सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स पता है, रेडियस दोनों का कॉमन है सेम है, आर पता है आपको, इसमें एल लेंथ भी पता है, तो आपने कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला एम किया हुआ है, म्यू नॉट एन वन एन टू ए बाय एल, तो एन वन पता है एन टू पता है, एरिया क्रॉस सेक्शन का पाई आर स्क्वायर बाय लेंथ, आंसर एक आंसर आ गया। दूसरे पार्ट में क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ, जब सेकेंड कॉइल में जब करंट कितना चेंज हो रहा है 0 से 5 एम्पियर इन 0.02 सेकेंड, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, माइनस एम डी आई बाई डी टी, तो एम आपने फर्स्ट पार्ट से निकाल लिया, डी आई आपको पता है 5 और 0 का डिफरेंस है, और डी टी आपको पता है आंसर, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि एम कैसे निकलेगा, और फिर ई इज इक्वल टू माइनस डी एम बाई एम इन टू डी आई बाई डी टी से ईएमएफ कैसे निकलेगी, क्लियर है यहाँ तक। 42 क्वेश्चन,
देखो क्वेश्चन है, सोलेनोइड कॉइल हैज 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर. अब ये क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर. एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन है, 200 टर्न्स ऑफ अनदर वायर. अब फिर से एक और सोलेनोइड आ गया जिसमें 200 टर्न्स हैं. पहले सोलेनोइड का 50 नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है. और दूसरे सोलेनोइड का क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स है. एक छोटा एन गिवन है, एक बड़ा एन गिवन है. इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो सकती है, बंदा फटाफट जल्दी जल्दी में दोनों नंबर ऑफ टर्न ले लेगा 50 एंड 200. तो पहले वाले केस में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, दूसरे केस में नंबर ऑफ टर्न्स है. क्लियर है यहाँ तक? अब वो क्या कह रहे हैं, टू क्वाइल्स इंसुलेटेड है. इंसुलेटेड इसलिए होती हैं, दो क्वाइल जब मिक्स करते हैं एक दूसरे का करंट मिक्स ना हो जाए, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, तो इंसुलेटेड होती हैं. कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्शन. अब म्यूचुअल इंडक्शन निकालने का हमारे पास दो तरीके हैं. पहला तरीका, मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूँ, इसके अंदर N1 N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं. दूसरा फॉर्मूला मैं ये यूज़ कर लूँ, इसके अंदर छोटा N1 छोटा N2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है. तो एक काम करते हैं, N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, N1 तो क्वेश्चन में गिवन है. जो N2 है ना, N2 और L को एक ब्रैकेट में डाल लो, क्योंकि N2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या देगा आपको, नंबर ऑफ टर्न्स. ये समझ में आ रहा है? तो बेसिकली N1 को तो ऐसी रहने दो, N2 into L को क्या पुट कर देंगे, N2 नंबर ऑफ टर्न्स. तो इससे फायदा हो गया क्योंकि आपको एक जो फर्स्ट क्वाइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ गिवन है, और जो दूसरा क्वाइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है. समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा. तो रूल समझ में आ रहा है? या सिंपली एक काम करो, आप कुछ मत करो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के नंबर ऑफ टर्न्स निकालो, लेंथ तो आपको पता ही है और दूसरे के तो नंबर ऑफ टर्न्स पता ही है. तो आप फिर ये फॉर्मूला मत यूज करो, आप ये यूज कर लो तो भी चलेगा. मतलब ऐसा मत करना कि एक के तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ले लिए और एक के नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए. या तो दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स लो या दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लो, एक यूनिफॉर्मिटी करो. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक. क्वेश्चन नंबर 43. सोलेनोइड जिसकी लेंथ कितनी गिवन है, 50 सेंटीमीटर, और 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, कंप्लीटली सराउंड्स अनदर कोएक्सियल सोलेनोइड ऑफ सेम लेंथ एंड एरिया गिवन है, और 25 टर्न्स पर सेंटीमीटर छोटा N2, छोटा N1 छोटा N2 दोनों गिवन है. कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्शन. या तो एक काम करो, ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दो, या फिर एक काम करो, पहली क्वाइल का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ टर्न निकाल लो, और ऐसी दूसरी क्वाइल में भी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करके N2 निकाल लो, और इस फॉर्मूले को यूज कर लो. इस फॉर्मूले में N1 N2 आ गया, लेंथ आपको पता है. अब प्रॉब्लम है एरिया की, क्योंकि दो क्वाइल्स का एरिया सेम नहीं है, एक का एरिया ज्यादा है और एक का एरिया कम है. तो मैंने क्या सिखाया था, जब कौन सा एरिया लेना होता है, कॉमन एरिया. कॉमन का मतलब छोटा एरिया. तो जब आप म्यूचुअल इंडक्शन लेंगे हमेशा यहां पर छोटा एरिया लेंगे आंसर. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो बड़ा एरिया नहीं चलेगा, छोटा कॉमन एरिया में म्यूचुअल इंडक्शन होगी. क्वेश्चन नंबर 44.
कौन सा क्वेश्चन है? 40 40 42 ये हमने कर लिया था 42 अभी अच्छा 44 ओके 44 में इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक टोरॉइड गिवन है, टोरॉइडल सोलेनोइड गिवन है। टोरॉइडल सोलेनोइड में रेडियस आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। टोरॉइडल याद है सोलेनोइड की तरह ही होता है, टोरॉइड टोरॉइड कुछ ऐसा होता है, ये देखो ये टोरॉइड है, तो टोरॉइड है जिसका रेडियस आपको आर गिवन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है एंड 1200 टर्न्स गिवन है। इसमें क्या निकालना है? ऑब्टेन सेल्फ इंडक्शन। तो मेरे हिसाब से ये पता नहीं क्या करता है, टोरॉइड और सोलेनोइड के फॉर्मूला सेम है, तो मेरे हिसाब से एल का फॉर्मूला जो सोलेनोइड का किया था वही टोरॉइड के लिए लगा दो, तो ये करने की जरूरत नहीं है आपको। तो आप सोलेनोइड का फॉर्मूला लगाओ और लेंथ को क्या पुट करोगे? 2πr। 2πr क्यों? क्योंकि जो एवरेज लेंथ होती है टोरॉइड की वो कैसी ली जाती है? वो ये ली जाती है, ये वाली। तो इसका इसकी लेंथ क्या ली जाएगी? 2πr। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। और इसका जो अगला पार्ट है वो क्या निकालना है? एक और कॉइल ले ली 300 टर्न्स की और टोरॉइड के ऊपर बांध दी, करंट चेंज कर दिया इतने सेकंड में, 0 से 2 एम्पियर इतने सेकंड में इंड्यूस ईएमएफ निकालनी है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दोनों कॉइल्स का गिवन है, ईएमएफ क्या होती है? एम इंटू डी आई बाई डी टी। अब प्रॉब्लम क्या है? आपको एम तो पता ही नहीं, तो एम आपको इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा और डी आई बाई डी टी गिवन है आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, कभी कभी एम दे देगा, कभी कभी एम निकालना पड़ेगा। ठीक सर। हाँ सर, उसमें नेगेटिव पिन ली थी हमने, नेगेटिव लेना चाहिए उसे। हाँ इसमें नेगेटिव लेना चाहिए, माइनस एम डी आई बी डी में नेगेटिव लगाना चाहिए इसे, गलत है ये। क्वेश्चन नंबर 45 एनसीईआरटी की, बिल्कुल एनसीईआरटी बुक की प्रॉब्लम है और ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। आप कहोगे ऐसा क्या इसमें खास बात है, मैं दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक शॉर्ट सोलेनोइड है, छोटा सोलेनोइड है, ये छोटा सा सोलेनोइड है, और जिसकी लेंथ सिर्फ 4 सेंटीमीटर है, रेडियस 2 सेंटीमीटर है, और नंबर ऑफ टर्न्स आपको इसके गिवन है। तो S2 का सब कुछ गिवन है, S2 इसमें छोटा है। फिर इसमें एक बड़ा सोलेनोइड है जिसमें लेंथ गिवन है और नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, तो बड़े सोलेनोइड की डायमेंशन भी गिवन है, और बड़े वाला कौन है? एस वन है। वॉट इज द फ्लक्स थ्रू द लॉन्ग सोलेनोइड? तो बड़े सोलेनोइड में फ्लक्स क्या होगा? अगर करंट छोटे सोलेनोइड में पास किया जा रहा है 3 से 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर करंट छोटे में पास किया। अब आप सोचोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये बड़ी सही प्रॉब्लम है ना, तो इसमें क्या खास बात है? ठीक तो है, दो कॉइल्स हैं, दो सोलेनोइड हैं, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन ही है इसमें, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? कहां पर है? एक्सेस तो दोनों के कॉमन है, फिर प्रॉब्लम कहां पर है? करंट किसमें पास किया, बड़े में कि छोटे में? छोटे में। छोटे का बी निकालो, क्या होगा? क्या होगा फॉर्मूला बी? म्यू नॉट एन आई, वो तो लॉन्ग सोलेनोइड का होता है, छोटे का तो बायट सबर्ट लॉ निकालता है जिसका फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है, अब बी कैसे निकालोगे? पॉइंट है ना, छोटे सोलेनोइड का बी तो आता ही नहीं, अपने को तो लॉन्ग सोलेनोइड्स का बी आता है म्यू नॉट एन आई, और उसने करंट किसमें दे दिया? छोटे में। अब छोटे का भी निकल नहीं सकता, फिर क्या करें? वो कहता है जी ऐसा करो, उल्टा कर लो, आपको इसमें M निकालना है ना, M निकालते हुए चाहे करंट छोटे में पास करो चाहे करंट बड़े में पास करो, फर्क तो आएगा नहीं, M विल रिमेन सेम। तो इसलिए वो कहता है आप भूल जाओ कि करंट छोटे में है, आप इमेजिन करो करंट बड़े में है, तो करंट बाहर के वाले वायर में है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? इमेजिन करना है, क्योंकि एम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, तो इसीलिए वो यही कह रहा है इट इज़ डिफिकल्ट टू कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आप करंट छोटे में पास करते हो तो करंट हमेशा बड़े में पास कर दो। अब सही है, अब L1 और L2 गिवन है, इसमें L1 का मतलब है बड़े वाला, तो 1 का मतलब बड़े की डायमेंशन है, 2 का मतलब छोटे की डायमेंशन है। करंट किसमें पास किया हमने? S1 में, बड़े में इमेजिन किया, तो B1 निकलेगा बड़े का, म्यू नॉट एन आई, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो बड़े में करंट पास किया बड़े का बी, और फ्लक्स किसका चेंज होगा? छोटे का, तो छोटे वाला बी किसका यूज करेगा? बड़े का, बाकी डायमेंशन छोटे की, तो फ्लक्स आ गया। लेकिन ये छोड़ो, फ्लक्स एक और तरीके से आ सकता है, एम आई, तो इन दोनों को इक्वेट करके एम की वैल्यू आ गई आंसर।
हालांकि आप इसमें डायरेक्टली एम का फॉर्मूला यूज कर सकते थे, कौन सा, म्यू नॉट एन वन इंटू एन टू एरिया बाय लेंथ, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, सीधा एम का फॉर्मूला लगा के भी आंसर आ सकता था, पॉइंट क्लियर है। लेकिन ये ट्रिक मेरे को बताना था कि ऐसा भी हो सकता है, इसलिए मैंने प्रूफ बताया, अदरवाइज आप डायरेक्टली एम का फॉर्मूला यूज करोगे एन वन एन टू वाला आंसर सही आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, और अगर आपको फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स क्या होता है, एम आई, तो एम इंटू आई करोगे तो वैसे ही फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक, बाकी जो प्रॉब्लम है अनसॉल्व्ड आपका प्लीज़ होमवर्क है, इसे ज़रूर करना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको ट्राई करनी है घर पे, ये होमवर्क नोट करें प्लीज़।